सो गाइस, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वॉच में, चाहे वो एक एनालॉग वॉच हो या फिर वो एक डिजिटल वॉच हो, उसको चलने के लिए पावर सप्लाई ज़रूरत पड़ती है। यदि हम वॉच में से उसमें जो बैटरी लगी होती है, फिर जो सेल लगा होता है, उसे हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉच वहीं पर रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती है, वो मतलब टाइम उसका रुक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो हमको समझ में आता है कि किसी भी वॉच को चलने के लिए पावर ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम चलते हैं दूसरी तरफ किसी कंप्यूटर में, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हम किसी कंप्यूटर को प्रॉपरली डाउन कर देते हैं, तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उसको ऑन करते हैं, तो जो डेट और टाइम होता है वो हमको चेंज हुआ नहीं मिलता, मतलब एकदम एक्यूरेटली करेक्ट टाइम और डेट वो हमको शो करता है। लेकिन दोस्तों, कंप्यूटर को तो हमने प्रॉपरली शट डाउन कर दिया था, पावर सप्लाई बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी, फिर भी वहाँ पर वो एग्जैक्टली करेक्ट डेट और टाइम कैसे बता देता है। तो आज के दोस्तों इस बारे में बात करने वाले, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है, जानना है आंसर, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। और साथ ही दोस्तों, देखो आपको मेरे चैनल कॉन्टेंट पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में, कि स्मार्टफोन में भी तो ऐसा सेम चीज़ अप्लाई होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर स्मार्टफोन में हम एक चीज़ हमेशा यूज़ करते हैं, जो कि होता है उसका सिम कार्ड, जो कि हमेशा एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जब कभी भी आपने अपने स्मार्टफोन में जो डेट और टाइम को सेट किया हुआ, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इसको मैनुअली सेट कर दें, या फिर यहाँ पर आप इसको ऑटोमेटिक पर सेट कर दें। तो ऑटोमेटिक पर हम सेट करते हैं, तो यहाँ पर जो नेटवर्क, जो जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है हमारा स्मार्टफोन वाया सिम कार्ड, तो दोस्तों वहां पर वो डेट और टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है। लेकिन उससे यहाँ पर हम चलते हैं अब कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा मतलब ऑलवेज तो कोई नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट करके नहीं रखते हैं। बहुत से लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं जहाँ पर ऑलवेज इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब भी कंप्यूटर को हम वापस से मतलब शट डाउन करने के बाद चालू करते हैं, तो उसका डेट और टाइम हमको करेक्ट देखने को मिलता है, वो यहाँ पर चेंज नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पर दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम लैपटॉप की बात करें तो उसमें तो इनबिल्ट बैटरी होती है, तो वो पावर सप्लाई थोड़ी बहुत देती रहती होगी। तो ठीक है, हम लैपटॉप को साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं डेस्कटॉप की। अब डेस्कटॉप में तो कोई भी पावर सप्लाई बैकअप के लिए नहीं है, स्टिल हम यहाँ पर यदि बात करें तो हमें उसका यदि मेन प्लग ही पावर सप्लाई से स्विच बंद कर दें, प्लग ही बाहर निकाल दें, अब तो किसी भी डेस्कटॉप में कोई भी पावर सप्लाई नहीं जा रही है बंद होने के बाद। लेकिन वापस से दोबारा आप उसको प्लग लगाकर स्विच ऑन करके चालू करेंगे जैसे ही, तो आपको डेट और टाइम एकदम करेक्ट बताएगा। जबकि यदि पावर सप्लाई हमने बंद कर दी है, तो वहाँ पर उसके अंदर जो वॉच चल रही है वो तो यहाँ पर रुक जानी चाहिए, क्योंकि बिना सप्लाई के तो वॉच आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में, तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में मेनली दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक तो वो जो हम मेजॉरिटी केसेस में सभी लोग जानते हैं, जो कि मेजॉरिटी इंडिया में सभी कंप्यूटर में यूज किया जाता है, जो कि है विंडोज, जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। और दूसरा होता है दोस्तों, वो इसी विंडोज को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं बायोस, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो बायोस होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कंप्यूटर को जब हम चालू करते हैं, बूट करते हैं, तो उसको जो बूट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो सारी इसी बायोस के थ्रू ही दी जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शन इसी में स्टोर होती हैं। साथ ही साथ आपके कंप्यूटर में आप लोग जो पासवर्ड वगैरह डालते हैं, वो भी इसी बायोस में ही होती हैं सेव। और इवन दोस्तों, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर का डेट और टाइम होता है, वो भी इसी बायोस में ही सेव होता है, मतलब कि यही बायोस रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डेट और टाइम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों, जब कभी भी अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, बंद करते हैं, पावर सप्लाई को टोटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो जाता है, लेकिन जो बायोस होता है वो ऑलवेज चालू रहता है, क्योंकि यहाँ पर उस बायोस को सप्लाई देने के लिए एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, जो कि 3 वोल्ट की बैटरी होती है, कॉइन की जैसी दिखती है, जिसको कि सीमॉस बैटरी बोला जाता है, CMOS सीमॉस बैटरी इसको बोला जाता है। तो जब कभी भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सीमॉस बैटरी होती है 3 वोल्ट की, ये ऑलवेज उस बायोस को सप्लाई देती रहती है। इसलिए दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि जब भी नेक्स्ट टाइम हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, तो आपके कंप्यूटर का पासवर्ड वगैरह फॉरगेट नहीं होता, और यहां पर आपके कंप्यूटर में जो डेट और टाइम है वो भी एग्जैक्टली सही बताता रहता है। उसका रीजन यही है।
अब दोस्तों यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी आता है कि मान लो बहुत लंबे समय तक आपने अपने कंप्यूटर को बंद करके रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की सीमोस बैटरी वो डिस्चार्ज हो जाती है, या फिर किसी केसेस में सीमोस बैटरी ख़राब हो जाती है, तो उस केसेस में दोस्तों आपके कंप्यूटर का डेट और टाइम वगैरह यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, वो मतलब यहाँ पर सही डेट और टाइम नहीं बताएगा चालू होने पर। तो यहाँ पर दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों किसी कंप्यूटर को शटडाउन करने के बाद उसका डेट और टाइम यहाँ पर चेंज नहीं होता, वो हमेशा सही डेट और टाइम आपको बताता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और वीडियो भी आपको जरूर से पसंद आया होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो सिर्फ लाइक कमेंट सब्सक्राइब से सब कुछ कर दीजिए, साइन बेल आइकन उस पर प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।